महेंद्र पांडे, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल केसी इटैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा टैली इंस्टॉलेशन, टैली पार्ट ऑफ विंडो, कंपनी क्रिएशन इन टैली। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप, बिकॉज अकाउंट ग्रुप जानना सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि लेजर हम जो बनाते हैं वो हम ग्रुप के अंतर्गत व्यवस्थित करते हैं। यदि हम ग्रुप हमको नहीं मालूम होगा तो हम लेजर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा लेजर रॉन्ग हुआ, लेजर गलत हो गया तो हम वाउचर एंट्री भी गलत हो जाएगी, और यदि वाउचर गलत हुआ तो हमारा रिपोर्ट सही नहीं जनरेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमें अकाउंट ग्रुप को जानना समझना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने जानने वालों के पास वीडियो को शेयर करें, जिससे टैली क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाए। डियर स्टूडेंट, और सबसे बड़ी चीज, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज मैं बहुत कुछ करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। ग्रुप, डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो अकाउंट्स ग्रुप होते हैं जिसके अंतर्गत टैली में हम जर्नल एंट्रीज को व्यवस्थित करते हैं, लेजर्स को बनाते हैं, खाता बनाते हैं, वो ग्रुप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ग्रुप टू टाइप ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, एंड सेकेंड होता है सब ग्रुप बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, सब ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप का क्या मतलब है? जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं उन्हीं के अंतर्गत सब ग्रुप होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड सब ग्रुप होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप मेन है, और ये प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप या सब ग्रुप को मिलाकर के कुल कितने ग्रुप होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, 15 होता है आपका प्राइमरी ग्रुप एंड 13 होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप 15 होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप आपके 13 होते हैं। जैसे बताया कि ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो 15 होता है और सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो 13 होता है। कंप्लीट दोनों मिलाकर के 28 ग्रुप्स होते हैं। ये 15 ग्रुप जो होते हैं वो प्राइमरी में होते हैं, और ये 13 जो होता है प्राइमरी ग्रुप का के अंतर्गत ये बना होता है, मतलब इसका सब अंडर होता है। प्राइमरी ग्रुप जो बने होते हैं, जैसे कैपिटल का अगर हमें रिजर्व सरप्लस ग्रुप है तो उसका अंडर कैपिटल होगा। डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से ये प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है, कुल 28 ग्रुप्स होते हैं। 28 से भी ज्यादा ग्रुप हम बना सकते हैं, तो वो चीजें तो मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा कि कैसे हम बनाते हैं ग्रुप को, बट मैं यहां समझाने के लिए आपको जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है कंप्लीट समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहां बोर्ड पे आपको लेके आया हूं। थोड़ा सा एग्जांपल मैंने दिया है प्राइमरी ग्रुप को समझने का और सब ग्रुप को समझने का। डियर स्टूडेंट, जबकि ये मैं कंप्यूटर में आपको दिखाऊंगा। प्राइमरी ग्रुप के कुछ एग्जांपल है, जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, परचेज, सेल्स, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये सारे ग्रुप हैं आपके प्राइमरी के। बहुत सारे और हैं बट मैं कुछ लिखा हूं यहां पर। ऐसे ही सब ग्रुप है, सब ग्रुप में जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड, जैसे लोन्स लायबिलिटीज है तो लोन में सिक्योर्ड लोन भी होता है और अनसिक्योर्ड भी लोन होता है। ये दोनों लोन होते हैं, जिस प्रकार का लोन का जो स्वभाव होगा उस हिसाब से उसका ग्रुप आप चुनाव करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटीज का सब ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी टैक्सेस के आप लेजर बनाते हैं उसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालते हैं। इस तरह से सारे ये सब ग्रुप है। आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री डेटर है, बैंक अकाउंट है, बैंक ओडी है, ये सारे सब ग्रुप्स हैं आपके। डियर स्टूडेंट्स, जबकि और है, मैंने कुछ यहां पर लिखा हुआ है, कुल हम जो 13 सब ग्रुप्स हैं और 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, ये मैं आपको सिस्टम पे दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझने के लिए बस दिखाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कंप्लीट देखें, जिससे आपको टैली का कंप्लीट नॉलेज हो पाए, और जो मैं टॉपिक लेके चलता हूं उस टॉपिक का आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाए, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो आपसे पर आपकी जानकारी से परे रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं।